हाय, क्या आपको बैक पेन है? आपका बैक पेन पैरों में पीछे से नीचे की तरफ रेडिएट कर रहा है, तो जानिए मेरे साथ ये उसका रीजन क्या है। मैं हूं डॉक्टर आफिया। इसका रीजन सबसे मेन PIVD, जिसे आम भाषा में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। PIVD जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क। अब आप बोलोगे तो मेडिकल टर्म ही होता क्या? ये मेरी नींद की हड्डी है, उसके ऊपर 7 सर्वाइकल, उसके बाद 12 थोरेसिक, और उसके बाद नीचे 5 लंबर, और नीचे सैक्रल, और उसके बाद कॉकेक्स। इस वर्टिब्रा के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। इस डिस्क का स्ट्रक्चर जानते हैं। इस डिस्क में सबसे आउटर लेयर फाइबरस लेयर होता है जिसे हम एनुलर रिंग कहते हैं। उसके बिल्कुल मिडिल बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। अब ये करता क्या है? ये हमारे स्पाइन के मूवमेंट में हेल्प करता है और एज अ शॉक ऑब्जर्वर वर्क करता है। अब इसमें होता क्या है? ये जो डिस्क है वो जब हम एक्सेस लोड देते हैं, एक गलत पोस्चर बहुत लंबे समय से मेंटेन करते हैं जिसे हम स्लाउच पोस्चर कहते हैं, जो आजकल की सिटिंग जॉब में बहुत कॉमन हो चुका है, और हम हेवी वेट डायरेक्ट नीचे झुककर बहुत हेवी वेट उठाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिस्क है वो बाहर निकल जाती है, और कभी कभी तो अंदर की जो जेली है वो भी बाहर निकल जाती है। तो जब ये जेली और ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, उसकी वजह से हमारे वर्टिब्रा की साइड से बहुत सारे नर्व निकलते हैं जो हमारे पैरों में सप्लाई करता है। तो ये जब निकल जाता है बाहर, तो हमारे जो नर्व है उसको इम्पिंच करने लगता है, उसको इरिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। दर्द के साथ साथ एक लंबे समय बाद टिंगलिंग और नंबनेस सेंसेशन भी रहता है। कभी कभी तो आपको ऐसा फील होता है कि हमारे पैर है ही नहीं, वो बिल्कुल सुन हो चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्टम होता है ना, आप तुरंत अपने फिजियो को देखें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।